मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हम किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की एक्सरसाइज देखी थी। आज हम इसकी ग्रामर सेक्शन देखेंगे। वोकेब्युलरी से स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर कॉलम इन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सब नाउंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे टेबल्स है और वहाँ पे कुछ कॉलम में अलग अलग है, पर्सन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो हमें इसमें सब जो ऊपर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं वो प्रॉपर कॉलम में फिल करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा पर्सन है, तो पर्सन के कॉलम में वो आएगा। फिर ग्रैंडमा, वो भी पर्सन के कॉलम में आएगा। पोटैटो, पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल के कॉलम में पोटैटो आएगा। डोंकी, तो डोंकी इज़ अ एनिमल, तो डोंकी एनिमल वाले कॉलम में आएगा। फिर स्टिक, तो स्टिक इज अ थिंग, चीज़ है। ठीक है, तो वो थिंग वाले कॉलम में आएगा। फिर बनाना, बनाना इज अ फ्रूट, तो फ्रूट्स वाले कॉलम में बनाना आएगा। ग्लास, तो ग्लास इज अ थिंग, तो ग्लास थिंग्स वाले कॉलम में आएगा। रीनो, तो रीनो एनिमल है, तो एनिमल वाले कॉलम में रीनो आएगा। स्पैरो, स्पैरो इज अ बर्ड, तो वो बर्ड्स के कॉलम में आएगा। क्रॉ, क्रॉ ये भी कौवा, कौवा क्रॉ यानी कि कौवा, तो ये भी बर्ड्स के कॉलम में आएगा। पेंस, तो पेन थिंग्स है, तो थिंग्स वाले कॉलम में पेंस आएगा। राजू, तो राजू लड़के का नाम है, पर्सन्स नेम, तो वो पर्सन वाले कॉलम में आएगा। कविता, तो लड़की का नाम है, पर्सन के कॉलम में आएगा। स्कूल, तो स्कूल प्लेस है, एक जगह है, तो वो प्लेसेस में स्कूल आएगा। यहाँ कॉलेज, कॉलेज भी प्लेसेस में आएगा। फिर है पम्पकिन, तो पम्पकिन एक वेजिटेबल है, वो वेजिटेबल वाले कॉलम में आएगा। लेडी फिंगर, तो ये भी वेजिटेबल है, हम सबको पता है, तो ये भी कहाँ आएगा, वेजिटेबल्स वाले कॉलम में। ऑफिस, तो ऑफिस एक जगह है, प्लेस है, तो वो प्लेसेस वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, फिर क्या आया, बॉटल, तो बॉटल भी थिंग्स है, तो थिंग्स भी बॉटल थिंग्स वाले कॉलम में आएगा। और लास्ट वन इज मैंगो, विच इज फ्रूट, तो वो फ्रूट्स वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो दिस इज अ ब्लैक पेन, तो वी कैन सी द वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, फोर सेंटेंस है, पहले मैं पढ़ लेती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज दिस इज ब्लैक पेन। सेकेंड इज राजू इज अ टॉल बॉय। थर्ड वन इज मेघा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एंड फोर्थ वन इज चार्ल्स इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो वी कैन सी द वर्ड्स अबव सेंटेंस आर लाइक ब्लैक, टॉल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो एंड दीज आर यूज फॉर पेन, बॉय, गर्ल, पर्सन। ठीक है, ये बॉय, गर्ल, पर्सन, पेन, थिंग के लिए ये सब यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये वर्ड है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स, हमें ये याद रखना है। ठीक है, एडजेक्टिव्स, तो मैं ग्रामर में इस एडजेक्टिव टॉपिक को आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अभी तक आपको याद रखना है कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसे हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ नंबर एक, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड विच आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं जो है क्लेवर, स्वीट, ग्रीन, ब्यूटीफुल, ब्लू एंड ब्लैक। तो हमें ये डिस्क्राइबिंग वर्ड को यहाँ फिलअप करना है। तो नंबर वन इज फॉक्स का पिक्चर है, तो फॉक्स कैसा होता है, क्लेवर, क्लेवर यानी कि चतुर, तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा क्लेवर। नंबर बी ब्लैंक कार, तो कार है लेकिन कौन से कलर की है, तो है रेड, तो रेड कार। ठीक है, नंबर सी, तो ब्लैंक मैंगो, मैंगो होती है लेकिन कैसी होती है, मीठी, स्वीट, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वीट मैंगो। डी ब्लैंक ट्री, तो ट्री है, पेड़ है लेकिन कौन से कलर का, ग्रीन कलर का, तो क्या बोलते हैं, ग्रीन ट्री। नंबर ई
ब्लैंक क्रॉ, क्रॉ है कौवा, लेकिन कौन से कलर का है? ब्लैक, तो ब्लैक क्रॉ। एंड लास्ट वन इज ब्लैंक फ्लावर, तो फ्लावर है लेकिन कैसा है? ब्यूटीफुल, तो क्या आएगा? ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ऐसे आपको सब लिखना है, फिलअप करना है जैसे मैंने फिलअप किया है वैसे। नंबर बी, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि है कोल्ड, टेस्टी, राइप, एंग्री एंड ग्रीन। तो ए, मदर इज कुकिंग ब्लैंक फूड, तो मदर कैसा फूड बनाती है ये है, तो इसमें क्या आएगा? टेस्टी, टी ए एस टी वाई, टेस्टी फूड, मदर टेस्टी फूड बनाती है। नंबर बी, द ब्लैंक फादर इज स्कोल्डिंग पीटर, ठीक है, तो फादर पीटर को डांट रहे हैं, तो डांट रहे हैं तो फादर मस्ट बी एंग्री, ठीक है, तो कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा? एंग्री, ठीक है, तो द एंग्री फादर इज स्कोल्डिंग पीटर। नंबर सी, ज्योति हैज बॉट सम ब्लैंक फ्रूट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? राइप फ्रूट्स, ठीक है। नंबर डी, डॉक्टर टोल्ड ऋषव नॉट टू ड्रिंक ब्लैंक वाटर एज ही इज इल, तो हम कब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? कोल्ड वाटर, सी ओ एल डी, कोल्ड। नंबर ई, द बॉय इज वेयरिंग ब्लैंक शर्ट, तो यहाँ पे पिक्चर में बाजू में दिखाया गया है बॉय ने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, तो आंसर विल बी ग्रीन शर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी है लिसनिंग स्किल, तो इसमें एक स्टोरी है, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने ये स्टोरी ढूंढी, लेकिन हमें यहाँ भी बुक में भी मेंशन नहीं की गई है, मैंने मैनुअल में भी उसको ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिली, तो हम ये जी जे है जो है वो लिसनिंग स्किल उसे स्किप कर देंगे क्योंकि हमें स्टोरी ही नहीं मिली तो हमें ये आंसर नहीं पता होगे, ठीक है, तो हम ये स्किप कर देते हैं और नंबर एच प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सेट ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ सिंगल साउंड, दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, गिवन अहेड आर द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन बॉक्स गिवन एंड कंप्लीट द वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे एक हमारे लिए एग्जाम्पल दिया गया है, शेल है तो एस एच ई डबल एल, शेल का स्पेलिंग होता है, तो ऊपर जो भी दिया गया है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स उसकी हेल्प से हमें पूरा स्पेलिंग बनाना है। तो नेक्स्ट वन इज बेंच का पिक्चर है, ठीक है, तो बेंच का स्पेलिंग क्या आएगा? बी ई एन सी एच, तो ऊपर सेकेंड वन इज सी एच, तो हमें यहाँ सी एच ऐड करना है, ठीक है, इजी है। नंबर थ्री, ये नेस्ट का पिक्चर है, ठीक है, तो नेस्ट में नेस्ट का स्पेलिंग क्या आता है? एन ई एस टी, तो ऊपर एस टी है तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये रहा एस टी, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे एस टी है तो ये एस टी यहाँ फिलअप करना है। फिर ये फ्रॉग का, यहाँ पे फ्रॉग का पिक्चर है, ठीक है, तो फ्रॉग का स्पेलिंग क्या है? एफ आर ओ जी, तो यहाँ पे एफ आर है वो हमें फाइंड करना है, एफ आर, ठीक है, तो एफ आर यहाँ पे हमें लिखना है, एफ आर जैसे मैंने लिखा है। फिर ये सिंपल है, ट्री का पिक है, तो टी आर डबल ई ट्री, तो यहाँ टी आर पहले हमें लिखना है। और लास्ट वन इज ड्रॉप, ठीक है, वाटर का ड्रॉप है, तो ड्रॉप का स्पेलिंग क्या है? डी आर ओ पी, तो हमें यहाँ पे डी आर लिखना है, ओ पी तो हमें दिया गया ही है। नाउ आई राइटिंग स्किल, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट फाइव सेंटेंस ऑन इन यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बॉल, सैंडविचेस, पिकनिक, बर्ड एंड एन्जॉय, ठीक है, तो हमें ये वर्ड्स से सेंटेंस बनाने हैं इस पिक्चर को देख के, ठीक है, तो हमें पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है ये हमें लिखना है। मैंने यहाँ फाइव सेंटेंस लिखे हैं, आपको भी लिखने हैं, ठीक है, थीके? तो फर्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा है, अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग विथ अ बॉल, तो बॉल बॉल है फर्स्ट वर्ड, तो बॉल वाला सेंटेंस आ गया हमारे, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज सैंडविचेस, तो सैंडविच वाला सेंटेंस हम बनाएंगे, तो है सम चिल्ड्रंस आर ईटिंग सैंडविचेस, ठीक है, कुछ बच्चे सैंडविचेस खा रहे हैं, तो सैंडविच वाला भी हमने सेंटेंस बना लिया। अब थर्ड है वर्ड पिकनिक, तो पिकनिक का वर्ड पिकनिक का हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो द चिल्ड्रन आर एन्जॉइंग द पिकनिक, ठीक है, बच्चे पिकनिक को एन्जॉय यानी कि मज़े ले रहे हैं। फिर बर्ड का वर्ड, बर्ड वर्ड है, तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे?
अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। यहाँ पे देखो एक बर्ड है वो ट्री के आगे क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो हमने वैसे एक सेंटेंस बना दिया। अब लास्ट इज एन्जॉय, तो ऑल द चिल्ड्रन आर एन्जॉइंग, सब बच्चे मज़े ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये लेसन नंबर फिनिश होता है, लेसन नंबर 6 एक्सरसाइज और ग्रामर के साथ। आपको टेक्स्ट बुक में ये सब लिखना है, ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। टिल देन आपको ये लेसन अपने पेरेंट्स के सामने एक बार ज़ोर से पढ़ना है, ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।